हाय लिसनर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका। मैं पीयूष कुमार खेल और खिलाड़ी में आपका स्वागत करता हूं। आज खेल और खिलाड़ी में हमारे साथ है अनुष्का सैम्यूल, जो अंडर 16 इंडियन टीम रिप्रेजेंट कर रही हैं। हाय अनुष्का। हाय, वेलकम टू द शो। थैंक यू। सो अनुष्का, ये बताओ खेलना कब से शुरू किया आपने? मैं जब नर्सरी में थी मैंने तब से खेलना शुरू कर दिया था। मैं अपने भाई से इंस्पायर होती थी बहुत ज्यादा, वो खेलता था और फिर प्रैक्टिस पे जाता था, तो मैं बहुत ज्यादा चाहती थी कि मैं जाऊं उसमें, तो फिर वहीं से मैंने खेलना शुरू किया। मेरे सोसाइटी के ग्राउंड साइड में बहुत छोटा सा ग्राउंड था, उसी में कीचड़ में खेलते थे, गंदा, तो फिर मैंने बेसिकली नर्सरी से शुरू किया। हाँ। ओके, तो प्रोफेशनली कब सोचा कि हाँ मैंने यार फुटबॉल ही प्रोफेशनल अपना एज अ प्रोफेशन चुनना है? जब मैं फोर्थ में थी तब मेरे को एक दिन ऐसी ड्रीम ऑफ हुआ कि आई वॉज इन द वुमेन्स टीम, देन तो I just made my mind that I have to become a footballer. तो मैंने वहीं से फिर मैंने sixth में अपने पहले nationals खेले और फिर वहीं से। तो ये बताओ family का support कैसा रहा इसमें आपके लिए football खेलने में? मतलब मेरी family मुझे बोलती थी कि तुम बाहर खेलने जाओ, बस खेलो और वो सब। तो मेरे दादू भी पॉन्डिचेरी में कैप्टन थे, तो उनके नाम का कप भी खेला जाता था, अभी तक खेला जाता है। तो बस उसी से बहुत ही ज्यादा इंस्पायर, फिर जेनेटिक भी हो सकता है, तो बस मुझे बहुत पसंद आता था। और फिर पेरेंट्स ने तो कभी ऐसा बोला नहीं कि तुम मत खेलो और वो सब, तो पेरेंट्स का फुल सपोर्ट मिलता था मुझे। ये बताओ कि एजुकेशन और स्पोर्ट्स को किस तरह से बैलेंस करते हो? मेरी एजुकेशन मुझे बहुत ज्यादा भारी पड़ती है, मेरा बहुत ही वीक साइड है मेरा एजुकेशन। मतलब मुझे समझ आ जाता है बट एग्जाम्स में जाके मैं बहुत डर जाती हूँ, बट आई एम ओनली 70% स्टूडेंट। मैं दूसरे लोग काफी लोग दोनों संभाल पाते हैं बट मेरे लिए थोड़ा टफ हो जाता है, बट स्टिल आई मैनेज टू गेट 70%। मतलब हाँ, आ जाते हैं 70-80 के बीच में आ जाते हैं, एंड दैट्स रीजनेबल फॉर माई पेरेंट्स। सही है, इसमें कोई गलत नहीं है, 70-80% इज गुड विद स्पोर्ट्स। अच्छा ये बताओ कि एम क्या है फुटबॉल को लेके आगे? मुझे इंडिया को आगे बजाना है, वर्ल्ड कप में बजाना, वर्ल्ड कप जिताना है, तो बस उसी की तैयारियां भी चल ही रही है। अभी आपने बताया कि ये एम है आपका, तो इस एम में कोई आइडल आपका कोई हो? मेरा तो डेविड बेकहम ही था, जब वो रिटायर हुआ उसके बाद फ्रैंक रिबरी बायर्न के लिए खेलते हैं, तो बस उन्हीं को देख देख के खेलते रहती हूँ। अच्छा ये बताओ अनुष्का कि फिटनेस बहुत जरूरी होती है एक फुटबॉलर के लिए, तो फिटनेस को कैसे प्लान आउट करते हो और क्या डाइट मेंटेन करते हो? मैं अपना डाइट बहुत ही ज्यादा उसके लिए बहुत ही प्रोटेक्टिव सी हूँ अपने डाइट के लिए, कि मैं सुबह उठ के आई हैव 3 eggs, 3 or 4 eggs, वन विद द योग बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, एंड द अदर विद ओनली व्हाइट पोर्शन। देन इन द आफ्टरनून देन आई टेक फ्रूट्स बिकॉज इट गिव्स यू एनर्जी। देन उसके बाद लंच में तो यू हैव टू हैव ऑल the vegetables which give you a lot of vitamins. Then at night I become a bit loose, then I have chicken and I'm a non-vegetarian, so I prefer that. Okay. और plan out कैसे करते हो fitness, मतलब क्या क्या करते हो fitness? मैं सुबह I get up at 6, I go for a run a society में ही, तो with my two of my friends because they want me to see that in the women's Indian team, so they मतलब दे एवरी डे कॉल मी की चल बाहर जाते हैं, फ्रेंड्स सपोर्ट, हाँ बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और फिर उनके साथ मैं भागती हूँ, उसके बाद आके उनके साथ ही फुटबॉल खेलती हूँ। देन आई गो टू स्कूल, स्कूल से आने के बाद आई एम टायर्ड, देन आई स्लीप, देन आई हैव ट्यूशंस, देन अगेन आई गो आउट इन द इवनिंग टू प्ले फुटबॉल, देन आके पढ़ाई थोड़ी सी, देन डिनर, देन स्लीप। सही है, ऐसी कोई वो नहीं है, प्लान आउट तो बहुत अच्छे से करा आपने। अंडर 16 इंडियन वुमेन्स टीम में आप, इससे पहले क्लब लेवल मैचेस भी खेले? हाँ, मैं हंस क्लब के लिए खेलती हूँ। लीग मैचेस भी खेले होंगे? हाँ। तो क्या डिफरेंस एक्सपीरियंस किया है इसमें, क्या प्रोफेशन का कितना डिफरेंस आ जाता है, क्या एक्सपीरियंस किया है? लीग मैचेस कुछ होते ही नहीं है बिकॉज दिल्ली में जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो दिल्ली टीम में है वही तुम्हारे अगेंस्ट लीग में खेल रहे होते हैं, तो कोई प्रॉपर एक टीम नहीं बनती, मतलब सबकी अपनी अपनी, तो दो तीन एक एक टीम में 5-6 प्लेयर होंगे ज्यादा जो अच्छे खेलते होंगे, तो पूरी टीम ऐसी चलती है। बाकी इंडियन वुमेन टीम में पूरी इंडिया से लोग आते हैं अंडर 16 में, तो फिर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है, तो स्टैंडर्ड कोई हम कंपेयर भी नहीं कर सकते कितना ज्यादा डिफरेंस है। और जैसे आपने भी बताया ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, तो गेम में भी काफी डिफरेंस होगा उनके साथ, यू हैव टू अडैप्ट योरसेल्फ।
इट्स समटाइम्स हार्ड बट देन हो जाता है. यू टेक अ वीक एंड वन एंड अ हाफ वीक टू सेटल, देन यू स्टार्ट प्लेइंग विद देम एंड देन उनके साथ हो जाती है, बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है. फिर इसलिए कैंप में हमें एक साथ सबको रखते हैं, हम अपने घर में नहीं जा सकते रोज, तो ऐसे होता है. तो बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए उसके बाद फिर हम जाके खेलते ताकि लड़ाई बढ़े. अच्छा, इसी में ये बताओ कि कई वेन्यूज पे जाके खेला होगा आपने, तो वेन्यूज के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है. हाँ, बिकॉज कभी कभी जेट लैग भी हो जाता है, तो जेट लैग कुछ ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है. मैं बांग्लादेश गई थी बट उसमें ज्यादा जेट लैग नहीं था, बट वहां का ग्राउंड बहुत डिफरेंट था, टर्फ ग्राउंड था. okay. हमें प्रैक्टिस टर्फ में करवाते थे बट खिलवाते थे ओरिजिनल, मतलब नॉर्मल ग्रास. तो उस हिसाब से तो मैं अडेप्ट करना, टर्फ पे बॉल भागती है बट जो नेचुरल ग्रास वाली ग्राउंड होती है उसपे तुम आराम से मार सकते हो, वो हो जाता है. तो बहुत डिफिकल्ट होता है बट हो जाता है. कुछ सम पीपल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू अडेप्ट देमसेल्फ्स, बट मुझसे हो जाता है एंड आई एम लकी फॉर दैट. अच्छा ये बताओ, अब बहुत एजुकेशन की कर ली, बहुत स्पोर्ट्स की भी कर ली, इंटरेस्ट बताओ अपना, इंटरेस्ट किस चीज में, मतलब रिलैक्स करने के लिए क्या करना पसंद करते हो? मैं बेसिकली फोन के साथ बहुत बैठती हूँ. अच्छा. मुझे फोन, अपने फोन से प्यार है बस. और अपने टाइम, अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना मेरे लिए अलग ही मजा होता है. और फिर अपने फुटबॉल वाले दोस्तों के साथ, तो ऐसे ही. और फिर इंटरेस्ट मुझे सबसे ज्यादा बाहर जाने में है, पार्टीज करने में और वो सब. अच्छा, पार्टी आने वालों मूवीज वूवीज में? हाँ, मूवीज तो साथ ही चली. अच्छा, तो बताओ मूवीज में किस तरह की मूवीज पसंद है? जो बायोग्राफीज पे होती हैं, जैसे ऑटोबायोग्राफीज पे होती है, जैसे नीरजा. okay. अभी जो रिसेंट मूवी थी वैसी मूवीज बहुत पसंद है. तो कोई फेवरेट एक्टर? ऋतिक रोशन, बहुत अच्छा डांस करता है. और एक्ट्रेस? दीपिका. और खाने में क्या पसंद है? खाने के बहुत शौकीन हूँ मैं, चाइनीज फूड के लिए बहुत ज्यादा क्रेजी हूँ. मुझे चाइनीज फूड, चाइनीज फूड में क्या मतलब, कोई तो स्पेशलिटी होगी कि यार. मुझे चिली चिकन बहुत ही ज्यादा. चिली चिकन अच्छा लगता है. चलो ग्रेट, बहुत अच्छे. थैंक यू अनुष्का, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस एंड गिविंग योर टाइम. थैंक यू. सो लिसनर्स, ये थी अनुष्का सैम्यूल जो अंडर 16 इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है. और हम उम्मीद करेंगे आगे इंडियन वुमेन्स फुटबॉल टीम को, मेन फुटबॉल टीम को रिप्रेजेंट करें. So listeners, keep on listening to Radio Dwarka, a step towards tomorrow.